वालेकुम अ टॉपिक इज़ अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द अपर मोटर न्यूरॉन लियस एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लियन्स इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है और वैसे भी डिजीज को समझने के लिए पता होना चाहिए तो अपर मोटर न्यूरोन लीशियन जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि दिस आर कॉज बाय डैमेज टू मोटर पैथफेज एनी वेयर फ्रॉम द मोटर नर्व सेल्स इन द प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स थ्रू द इंटरनल कैप्सूल ब्रेन स्टेम एंड कॉर्ड टू द इंटीरियर हॉर्न सेल्स इन द कॉर्ड ठीक है तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ तो अपर मोटर न्यूरॉल लियन वो होती है जो ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक ठीक है उसका जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं वहाँ तक अगर अगर कोई भी डैमेज होगा ना तो उसको हम कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लियन ठीक है जबकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होती है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल से लेकर हमारे जो पेरीफ्रल नर्व्स होती हैं वहाँ पे कोई भी डैमेज होगा उसको हम कहेंगे लोटर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ठीक है ऐसे ही होता है ना कि ब्रेन से सबसे पहले नर्व्स आती हैं वो आके स्पाइनल कॉर्ड में आके रहती हैं और फिर इन हॉर्न सेल सेल्स हैं वहाँ से जाके नर्व्स जो हैं वो जो मोटर नर्व्स होती हैं वो जाके हमारे मसल्स को सप्लाई करती हैं ठीक है तो अगर हमारे वो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल्स तक ब्रेन से लेके कोई भी डैमेज होगा तो उसको अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे लियन कहेंगे और अगर हमारा इंटीरियर हॉर्न सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड से लेके पेरिफ्रल नर्व्स तक जहाँ तक उसने मसल्स को सप्लाई करना है वहाँ पे कोई भी डैमेज आएगा तो उसको कहेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ठीक है तो अपर मोटर न्यूर लियन के जो साइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और लोअर मोटर न्यूर लियन के साइंस डिफरेंट होते हैं अपर मोटर न्यूरो नियन में ना हर चीज़ जो है वो ज़्यादा होती है ठीक है लाइक यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं लाइक हमारे जो है वो नी रिफ्लेक्स है एंकल रिफ्लेक्सेस है ठीक है कोई भी टेंडन के रिफ्लेक्सेस हैं हमारे जो है वो बाइसेप्स के रिफ्लेक्सेस हैं ठीक है जो भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है टोन जो होगी मसल की वो भी ज़्यादा हो जाएगी बेबिन की साइन जो होता है वो जो हम पाँव के ऊपर करते हैं पा उसके जो वो सोल ऑफ द फुट पे करते हैं वो पॉजिटिव आता है पैरालिसिस जो है वो स्पैस्टिक होता है स्पैस्टिक मतलब सही स्पैज्म हो जाता है मसल्स का ठीक है तो ये चार चीज़ें मेन है इसके अलावा आपने कुछ याद रखना है तो रखें नहीं वर्ना नहीं ठीक है क्या है रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाएंगी टोन इंक्रीज़ हो जाएगी बेबिनस की साइन पॉजिटिव होगा स्पेस्टिक पैरालिसिस होगी ठीक है जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन नियन में क्या होता है ये सारी डिक्रीज करती है रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाती हैं टोन भी मसल की कम हो जाती है बेबिस की साइन भी नेगेटिव होता है और स्पेस्टिक पैरालिसिस नहीं होता यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस होता है ठीक है और जो डिफरेंस आता है वो आता है एट्रोफी और फेसिकुलेशंस का अपर मोटर लियन में कोई भी एट्रोफ़ी नहीं होती कोई फेसिकुलेशन नहीं होती जबकि लोअर मोटर लोअर मोटर में क्या होता है एट्रोफी भी होती है और फेसिकुलेशन भी होती हैं ठीक है थीके? इसके अलावा एक स्पेस्टिसिटी होती है क्योंकि स्पेस्टिक परालिस है तो क्लास नाइफ स्पेस्टिसिटी होती है अपर मोटर न्यूनलियन में ठीक है तो ये हमारा डिफ्रेंस हो गया अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी चीज़ें जो है एम के लिए हम देख लेंगे उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मल्टीपल सेक्लोरोसिस ठीक है तो आ, हम देखने लगे हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़ ठीक है इसको हम जो है वो लो गहरिक डिजीज़ भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि किसी कॉज का नहीं पता होता लेकिन न्यूरो डिजनरेशन जो है प्रोग्रेसिवली स्टार्ट हो जाती है ठीक है इसमें क्या होता है जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना उसके अंदर जो मोटर न्यूरोस होती है उनकी डिजनरेशन होती है जो क्लिनियल नर्व न्यूक्लाई होते हैं उनकी डिजनरेशन हो सकती है या इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की डिजनरेशन हो सकती है ठीक है तो इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन है फोटी टू सिक्सटी ईर्यर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपको बताती हूँ और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सब में क्या है रेस्परेटरी इन्फेक्शन एंड फेलियर ठीक है यहाँ तक अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था बस मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया आपको जो क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होते हैं ये वाली चीज़ें हमने देखनी है कि इसमें जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों के साइंस आ रहे होते हैं साइंस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन के मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगी टोन ज़्यादा हो जाएगी स्पेस्टिक होगा स्पेस्टिकाल के साइन पॉजिटिव होगा ठीक है और लोअर मोटर न्यूरॉन की क्या होंगी कि मसल एट्रोफ़ी होगी मसल फेसिकुलेशन होंगी फ्लैसिड प्राइलिस होगी और uh, बाकी सब कुछ कम होगा ठीक है इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी इफ लोअर मोटर साइंस जो है प्रीडामिनेट uh, ठीक है दूसरे फीचर्स जो है उसमें क्या है इमोशनल लाइबिलिटी होगी आई मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी सॉरी आई मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पिंक्टर टोन जो है वो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है और बाकी है कि चुनिंग में स्वेलिंग में मसला होगा वेट लॉस होगा यहाँ तक यह इम्पॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे हमने करना है एक चीज़ है डिजीज़ दैट इज़ एमायोट्रोपिक रेटरल लेटरल सेक्रोसिस ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज़ ठीक है मोटर न्यून डिजीज़ में मोस्ट कॉमन पैटर्न क्या है ए एमायोट्रोपिक लेटरल सेक्लोरोसिस ठीक है इसमें दोनों के फीचर्स आते हैं अपर मोटर न्यूर के भी और लोअर मोटर न्यूर के भी ठीक है तीन तरह के डिजीज़ पैटर्न होते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के एमाट्रोपिक लेटरल सेक्लोसिस प्रोग्रेसिव मसल मसलट्रॉफी और हमारी प्रोग्रेसिव बल्बल पैलसी ठीक है इन तीनों में हमें डिफरेंस याद रखना है सबसे पहले एमायट्रोपिक लेटरल सेक्लोसिस है जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन पैटर्न है इसमें अपर मोटर न्यूर के भी फीचर्स आते हैं लोअर मोटर न्यूर के भी फीचर्स आते हैं अपर मोटर में क्या है कि रिफ्लेक्स ज़्यादा हो जाएगी स्पेस्टिक परालिस होगी पॉजिटिव डिपिबेंस साइन होगा टोन ज़्यादा हो जाएगी ठीक है और लोअर मोटर न्यूरो में क्या है कि मसल की फैसिकुलेशन एट्रोफी वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी नेगेटिव की साइन होगा रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगी टोन कम हो जाएगी, जाएगी फ्लैसिड पैरालिसिस होगी ठीक है वो मैम बात कर चुके हैं फिर आता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफ़ी इसमें क्या होगा इसमें लोअर मोटर के साइंस जो है वो प्री डोमिनेट करेंगे ठीक है क्योंकि ये प्री डोमिनेटली किस को अफेक्ट करता है स्पाइनल मोटर न्यूरोस को इस वजह से जब मोटर न्यूरो अफेक्ट होंगी तो उसकी वजह से लोअर मोटर साइंस जो है वो प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफ़ी में ज़्यादा होगी ठीक है जो लोअर मोटर के फीचर्स कौन से होते हैं वो मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस कर दिए हैं वो वाले इसमें आएंगे ठीक है प्रोग्रेसिव बल्बल पालसी में क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 9 और 12 ठीक है ये ज़्यादातर इनके न्यूक्लाइव इन्वॉल्व होते हैं ठीक है इसमें क्या होगा इसमें भी लोअर मोटर न्यूरोन साइंस के आएंगे किसके टंग और टंग टंग uh, के मसल्स और मसल जो हम जिनसे बातें है, जिन करते हैं जिनसे स्वेलोइंग करते हैं वो वाले ठीक है अगर टंग की बात की जाए तो प्रोग्रेसिव बल्बल पालसी में जब टंग के मसल्स इन्वॉल्व होंगे हाइपोग्लोसल नर्व इन्वॉल्व होगी तो पेशेंट की टंग की वेस्टिंग हो

सपोर्ट देते हैं स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं और फिजियोथेरेपी करते हैं ठीक है तो बल्बल पालसी -बल जो है बल्बर बल पालसी जो होती है इसमें हमारी जो न, कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं मोस्टली जो हमारी होती है इर, न, नाइन्थ नर्व और ट्वेल्थ नर्व ठीक है नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ नर्व नाइन्थ टेन इलेवन ट्वेल्थ ठीक है ये सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं मोस्टली जो है अगर स्पीच की इन्वॉल्व होगी तो डिसार्थी होगा डिसपेजिया होगा टंग की होगी तो उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी और बाकी हमारे जो है ब्लेटल और फ्लेंजन रिफ्लेक्सिस कम हो जाएंगे ठीक है तो इसके जो कॉजेज़ हैं वो नीचे लिखी हुई हैं इन सब के कॉजे हो सकती है लेकिन तीन हमारे हैं पेटर्नस इमाइट्रोफिक लेटरल सेक्लोरोसिस प्रोग्रेसिव मसल एट्रोफी और और बल्बल -बल पालसी ठीक है डिफरेंस आपने याद रखना है इमाइट्रोफिक लेटरल सेक्लोरासिस में दोनों साइंस आएंगे अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरो दोनों के प्रोग्रेसिव मसल एट्रोफी में जो है लोअर मोटर के साइंस आएंगे और प्रोग्रेसिव बल्बल पालीसी में आपको जो है वो कौन सी नर्व्स क्रिय नर्व्स इन्वॉल्व होंगी नाइन से लेकर ट्वेल्थ तक ठीक है और उनके हमारे जो है रिस्पेक्टिव मसल्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी सो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर न्यूर डिजीज इज अ न्यूरो ए कंडीशन कॉज बाय लॉस ऑफ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरो in the spinal cord, cranial nerve nuclei, and motor cortex. यह आपने जो अभी पढ़ा है ना इसका पूरा ये समरी है ठीक है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज में चार तरह की डिजीज आती हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी प्राइमरी लेटरल सेक्लोरासिस प्रोग्रेसिव बल्बल पालसी और एमायोट्रोपिक लेटरल सेक्लोरासिस प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में प्रीडोमिनेंटली लोअर मोटर न्यूर साइंस आते हैं जिसमें भी अ वीकनेस वेक वेस्टिंग ऑफ द लिम्स फैसिकुलेशन स्टैंडर्ड रिफ्लेक्सिस में भी प्रेजेंट ठीक है उसके बाद प्राइमरी लेटरल सेक्लोरोसिस होता है uh, जो कि प्री अपर मोटर ये हमने अभी नहीं पढ़ा ठीक है हमने लेटरल सेक्लोरोसिस माइट्रोफिक वाला पड़ा था इसमें जो है ना प्रीडोमिनटली अपर न्यूरॉन लिए साइंस आएंगे जिसमें स्पास्टिसिटी है और uh, ये वाली चीज़ें ठीक है और प्रोग्रेसिव बर्बल पॉलिसी में क्या है क्रेनियल नर्व्स की प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें टंग पैलेट फिरेंजल मसल्स की इन्वॉलमेंट होगी तो डिसार्थिया डिस्फेजिया वेस्टिंग पैसुकुलेशन ऑफ टंग होगी और पेमिडल साइंस होंगे ए माइट्रॉफिक में मिक्सड है अपर मोटर भी और लोअर मोटर भी ठीक है और वो सारे साइंस जो हमने पढ़े हैं वो आएंगे तो ये आपने चार चीज़ें याद रखनी है इसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में और आपने याद रखना है कि माइट्रोफिक लेटरल सिक्रॉस में दोनों साइंस आएंगे प्रोग्रेसिव मसल ट्रोफी में जो है वो लोअर मोटर के साइंस आएंगे प्राइमरी लेटरल सक्रॉसिस में जो है अपर मोटर के साइंस आएंगे और प्रोग्रेसिव बर्बल फालस में क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लाय के साइंस आएंगे फिर ये क्लिनिकल फीचर्स देख लें कि यूजली uh, होती है मोटर न्यूरोन डिजीज आफ्टर द एज ऑफ फिफ्टी और उससे पहले जो है यंग एज में बहुत कम होती है सिम्टम्स इसके क्या होते हैं लिम मसल वीकनेस क्रैम्प्स फेसिकुलेशन डिस्टर्बेंस ऑफ स्वीट स्वेलोइंग डिसनेटिव एंड बेहेवियर फीचर्स ठीक है उस पर साइंस क्या है वेस्टिंग एंड फेसिकुलेशन ऑफ मसल्स आपने नोट करने हैं वीकनिंग ऑफ मसल्स ऑफ लिम्स टंग फेस पैलेट और पिमेडल ट्रैक ट्रैक जिसमें आपके आ जाएंगे स्पेस्टिसिटी टेंडोरफ्लैक्सि ज़्यादा हो जाएंगे प्लान्टर रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हो जाएंगे एक्सटर्नल मसल्स एंड इंडफेंटर्स यूजली रिमेन इंटैक्ट और एविडेंस ऑफ नेटिव इम्पेयरमेंट विथ फ्रॉटोट इम्पोरल डोमिनेंस कोर्स क्या है सिम्टम्स जो है वो फोकली स्टार्ट होते हैं एक पार्ट में और फिर ग्रेजुअली जो है ये स्प्रेड करते हैं और इस तरह से ठीक है और इसका मैनेजमेंट मैंने आपको बताया रिलो आप यूज़ करते हैं विच इज़ अ ग्लोटा मेड एंटेगनिस्ट और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं फिजियोथेरेपी करते हैं स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं और वेंटिलेटरी और फीडिंग सपोर्ट देते हैं और ये जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होती है इसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं मसल्स के लिए नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करते हैं जो कि कंफर्म करती हैं डीजनरेशन ऑफ फ्लो मोटर न्यूरॉन्स और रूल आउट करती हैं कि कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है हमारे इस ग्रेविस वगैरह तो वो हमारी इन होती है और इसमें यह है कि अब ये हमारा हो गया टॉपिक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैनेज करना है और क्या अब हम मल्टीपल सेक्लोरोसिस स्टार्ट करते हैं ठीक है मल्टीपल सेक्लोरोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो हमारी नर्व्स होंगी ना उनके ऊपर क्या होती है माइलिन शीत होती है ठीक है मायलिन शीत का क्या काम होता है कि वो जो है स्पीड करती हैं मतलब स्पीड अप करती हैं नर्व की कंडक्शन को तो इसमें क्या होगा इसमें ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी उस माइलिन शीत के अगेंस्ट ठीक है तो ऑटो इट इज़ एक्चुअली क्रोनिक डिजीज़ रिलैपसिंग रिमिटिंग डिजीज़ ठीक है रिलैपसिंग रिमिटिंग मतलब रिलैपसिंग रिमिटिंग मतलब कभी ठीक हो जाएगी बिल्कुल बेटर हो जाएगी डिजीज़ कभी वर्स हो जाएगी कभी बेटर कभी वर्स इस तरह ये चलता जाएगा तो दिस इज रिलैपसिंग रिमिटिंग डिजीज़ ठीक है तो इट इज़ अ क्रॉनिक रिलैपसिंग रिमिटिंग ऑटो इम्यून डीमाइलीनेटिंग डिसऑर्डर ठीक है ऑटो इम्यून है डीमाइलीनेटिंग डिसऑर्डर है मतलब नर्व्स को ना इसने क्या कर देना है माइलिन चीत को ख़राब कर देना है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन डी माइलीटिंग डिसऑर्डर इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ़ माइलिन हो जाती है और डेंड्रोसाइट्स होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है डिस्ट्रक्शन हो जाती है और क्या होता है मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स आती हैं ओवर टाइम एंड स्पेस इट इज़ ए मल्टीफेक्टोरियल डिजीज़ और ये ज़्यादा कि इसमें होती है वुमेन में कॉमन होती है ठीक है वुमेन आपके पास आएंगी फ़ीमेल जेंडर होगी आप उनकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है जेनेटिक्स का बहुत रोल होता है एच आर ए डी आर टू जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं ठीक है किसी भी एज में हो सकती है लेकिन मोस्ट कॉमनली यंग एज में फीमेल्स होती हैं ट्वेंटी टू फोर्टी ईयर्स के अंदर और वाइटामिन डी का इसमें रोल होता है डाइट्री और फिर कोल्ड क्लाइमेट्स में ज़्यादा होती है ठीक है कोल्ड क्लाइमेट्स में ये ज़्यादा होती है सन एक्सपोजर की वजह से हो सकती है इसके अलावा एप्सटिन बार वायरस की वजह से ये हो सकती है इसकी वजह से मतलब अल्टीमेटली ना ये सन एक्सपोजर कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट्स एप्सटिन बार वायरस को इन्फेक्शन जेनेटिक्स ये सारे मिल मिला के ना हमारी ये डिजीज़ कॉज करती है ठीक है विच इज एक्चुअली ऑटो इम्यून डी मारिनेटिंग डिसऑर्डर रिलैपसिंग रिमिटिंग विच रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लिगो लिगोडेंड्रोसाइड ऑब्वियसली जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी नर्व्स की जो नॉर्मल कंडक्शन है वो नहीं होगी और हमारी कौन कौन सी नर्व्स इफेक्ट होंगी मतलब हमारी मोटर नर्व्स भी इफेक्ट होंगी सेंसरी नर्व्स भी इफेक्ट होंगी ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन uh, भी होगा मतलब सारी की सारी साइंस आ रहे होंगे ठीक है तो ये चीज़ इसकी हो जाती है की पैथोलॉजी देखें कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सारे मिल मिला के मतलब जेनेटिक्स हम बात कर चुके हैं ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की हमने ऊपर बात की है रिस फैक्टर्स में सारे मिल मिला के पैथोजेनेसिस करेंगे क्या होता है सबसे पहले हमारी जो ब्लेड ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसका ब्रेक डाउन होता है वहाँ पर कुछ सेल्स आ जाते हैं सी हेल्पर सेल्स वो माइलिन बेसिक प्रोटीन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं फिर क्या होता है वहाँ पर फ़र्दर जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ जाते हैं माइक्रोफेज माइक्रोग्लाइल सेल्स आ जाते हैं वहाँ पर फिर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है टी सेल्स की वजह से लाइक वहाँ पे साइटोकाइंस आ जाएंगे ट्यूमन एक फैक्टर इंटरफेर ऑन एल्फ ये सारे क्या करेंगे बिल्के इन्फ्लामेशन करेंगे और इस इनफ्लामेशन से क्या होगा माइलिन की डिस्ट्रक्शन होगी और डी हो जाएगी ठीक है इसमें जो पैथोलॉजिकल डिमाइलिनेटिंग लियंस बनती हैं उनको हम प्लेक्स कहते हैं जो कि आपको नज़र आते हैं इन जगहों पर जहाँ पे ये नर्व्स डिस्ट्रॉय होती हैं इनको हम कहते हैं इसलिए प्लेगस तो सेक्लोरोसिस का नाम देते हैं ठीक है थिकनिंग की वजह से ना वो बन जाते होते हैं डी की वजह से ठीक है तो अब ये हमारा था इरफान मसूद से जो इसकी स्टेप अप से आपको बता देती हूँ उसने ये लिखा हुआ है कि डीमालिनेशन जो प्लेक्स बनते हैं ना वो वाइट मैटर में स्कैटर हुए होते हैं ठीक है वाइट मैटर जो है ना उसके अंदर स्कैटर हुए होते हैं तो वो जो प्लेक्स हैं ना वो हमें ऐसे लग रहे होते हैं जैसे सेकुलरोसिस हुई हुई है ठीक है जिस वजह से इसका नाम जो है ना हम स्क्लेरोसिस uh, देते हैं अब आपने याद रखना है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो वाइट मैटर होता है ना उसकी डिमालिनेशन करते हैं ठीक है जो ग्रे मैटर होता है ना और पेरीफ्रिल नर्वस सिस्टम होता है उसको ये इन्वॉल्व नहीं करता तो हमेशा याद रखना है मल्टीपल सेक्लोरोसिस इन्वॉल्व द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पेयर्स द ग्रे मैटर एक्जोन्स एंड द पेरीफिल नर्वस सिस्टम ठीक है तो ये एक चीज़ आ जाती है जो आपने माइंड में रखनी है कि किस जगह पर यह होती है इसमें कॉमनली जो हमारे पेमिडल ट्रैक्ट्स होते हैं सारी बैलर पाथवेज़ होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडल फैसिकुलस होता है वो अफेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व इफेक्ट होती है और पोस्टीरियर कॉलम्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं दैन हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में मैंने आपको बताया कि इसके सेंसरी डिसफंक्शन की वजह से भी सेम फीचर्स आएंगे अपर मोटर न्यूरॉन के खराबी की, की वजह से भी आएंगे लोअर मोटर न्यूरॉन मैंने आपको कहा कहाँ नर्व्स को इन्वॉल्व नहीं करता ठीक है और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आएंगी और यूनिक फ़ीचर्स भी होंगे ठीक है अगर ये सेंसरी डिसफंक्शन करेगा तो पेशेंट की वो जो सेंसेज uh, है पेन की टेम्परेचर की वाइब्रेशन की वो सारी लॉस हो जाएंगी ठीक है अपर मोटर न्यूर को जब ये इन्वॉल्व करेगा तो वो हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे टोन ज्यादा हो जाएगी स्पास्टिक परालिसिस हो जाएगा पॉजिटिव वेबिंगस की साइन होगा ठीक है और क्या होगा ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन होगा ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन में आपके पास क्या होगा कि सेक्शुअल डिस्फंक्शन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बाउल प्रॉब्लम्स ठीक हो गया यूनिक फीचर्स में जो है वो क्या होता है कि बाय बायोलेट्रल टर्मिनल ट्राइजर्मिनल न्यूरोजिया ये कॉज करता है ये अलग से हमारा टॉपिक है छोटा सा वो हम देखेंगे इसमें होता है अलहर्मिटीज़ साइन ये आपने एम के लिए याद रखना है होता क्या है कि जैसे हम पेशेंट की नेक को फ्लैक्स करते हैं ना तो वो ना उसकी बैक के ऊपर ना एक ऐसे लगता है बिजली का झटका लगा है ठीक है तो इलेक्ट्रिकल सेंसेशन आती है डाउन द बैक और नेक फ्लैक्शन उसको कहते हैं अलहर्मिटीज़ साइन ठीक हो गया इसके अलावा जब ये ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा ऑप्टिक नर्व खराब हो गई है मतलब पेशेंट को नजर आएगा नहीं तो सडन लॉस ऑफ विजन हो जाएगी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन मल्टीपल सेक्टर ऑसेस में आपने एम के लिए भी याद रखनी है सेंट्रल विजुअल फील्ड इफेक्ट दैट इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस ठीक है इसके अलावा हमें इसमें मिलता है शार्को ट्रायड। शार्को शार्कोट्राइड में क्या है सिन इसका निमोनिक है इसमें क्या होगा पेशेंट की स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी इंट्रान्यूक्लियर ऑफ थेलमोप्लेट जिया होगा जो हम नीचे देखते हैं क्या होता है और निस्टेगमस होगा ठीक है होता क्या है मैंने आपको कहा कि इसने कौन कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है मल्टीपल सेकुलर ने हमारे पिरामिडल ट्रैक्स को सेरिबेलर पाथवेस पाथवेज़ को इन्वॉल्व करना है मीडियल लॉन्गिट्यूडल फैसिकुलस को ऑप्टिक नर्व को और पोस्टीरियर कॉलम्स को ठीक है पोस्टीरियर कॉलम्स को जब इन्वॉल्व करेगा तो उसकी वजह से सेंसरी सिम्टम्स आएंगे ठीक है और ऑप्टिक नर्व को जब इन्वॉल्व करेगा तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा उसके साइंस आएंगे जो मैंने बताया कि विजुअल लॉस हो जाएगा मीडियल लॉन्गिटूनल फैसिकुलस की बात बात करते हैं देखिए इसको जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडल फैसिकुलस सिंड्रोम भी कहते हैं इसमें क्या होता है जो मीडियल लॉन्गिट्यूडल फैसिकुलस होता है मिड ब्रेन के अंदर आपने जब मैंने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मीडियम लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलर्स एक होता है उसकी डिमालिनेशन ये कर देता है जब उसकी डिमालिनेशन कर देता है तो याद रखना है उसमें होता क्या है वो आइज़ की एक्चुअली कंट्रोल करता है ठीक है तो तो हमारा जो है ना उसमें क्या होता है कि अफेक्टेड आई के अंदर क्या होता है एडक्शन में वीकनेस आ जाती है पेशेंट अपनी आई को मीडियली मूव नहीं कर सकता ठीक है तो सेम साइड की जो आई होगी ना वो एडक्ट नहीं हो पाएगी और जो नॉर्मल आई होगी ना उसकी एबडक्शन और निस्टेगमस होगी ठीक है इसको कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर ऑफ थर्मोप्लेजिया जिसमें मीडियल लॉन्गेड फेसिकुलस जब डिस्ट्रॉय होगा उसकी डिमेलिनेशन होगी तो जो जिस जिस साइड की मीडियल लॉन्ग फेसिकुलस होगी वो आई जो होगी वो क्या होगी एडक्ट नहीं हो पाएगी और ऑपोजिट आई जो होगी वो एबडक्ट हो जाएगी ठीक है एबडक्ट हो जाएगी और निस्टेगमस में होगी ठीक है दिस इज़ नाउन एज द इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ थेलमोप्लेजिया तो अगर ये हमारा तीन इसके ट्राइड होते हैं स्कैनिंग स्पीच इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ थर्मोप्लेजिया और निस्टैगमस इसको हम कहते हैं शार्को ट्राइड विच इज़ फाउंड इन मल्टीपल सेक्लोरोसिस ठीक है तो मल्टीपल सेक्ोरोसिस में मैंने आपको बताया मैं आपको इसको देख देती हूँ या मैंने आपको बताया इरफान मसूद से मैं आपको स्टेपअप से इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या है मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी ट्रांजिएंट सेंसरी डेफिसिट्स होंगे ठीक है इसमें सेंसेशन जो हैं वो कम हो जाएंगी अपर और लोअर लिम्स की तो ये मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन है ठीक है इसके अलावा फटीक जो होती है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स होती है पेशेंट्स की मोटर सिम्टम्स में क्या होता है वीकनेस और स्पेस्टिसिटी होती है और इसमें पिराड मिडल ट्रैक की जब इन्वॉलमेंट होती है तो अपर मोटर न्यूर के साइंस आते हैं ठीक है स्पेस्टिसिटी हो जाती है पेशेंट जो है वो चल फिर नहीं सकता अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाता और फिर वीकनेस और प्रोग्रेशन हो जाती है टू हेमप्रेसिस एंड क्वाड्रीप्रेसिस ठीक है विजुअल डिस्टरबेंसेस में मैंने आपको बताया ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है और मोनोऑक्युलर विजन लॉस हो जाता है पेन होती है ड्यूरिंग आई मूवमेंट सेंट्रल स्कोटोमा होता है मतलब कि पेशेंट को जो है ना सेंटर ऑफ विजन के तब ब्लैक स्पॉट नजर आना शुरू हो जाता है और उसकी पीपुलर रिएक्शन टू लाइट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है फिर इंट्रा इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ थर्मोप्लेजिया का मैंने आपको बताया है कि मीडियल फैसिकुलरस इसमें इन्वॉल्व होता है और किस तरह से जो है एडक्शन डिफेक्ट आता है सेम आई में और अपोजिट आई में जो है वो हॉरिजोटल निस्टेगम्स शुरू हो जाता है और वो एबडक्ट कर रही होती है डिप्लोपिया भी हो सकता है ठीक है अगर ये सेरिबैलम को इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा तो सेरीबेलर साइंस में क्या है वी हैव द एटेक्सिया इंटेंशन ट्रैमर्स एंड डिसार्थ्रिया लॉस ऑफ ब्रेडर कंट्रोल होगा और इसके अलावा ऑटोनिक डिस्फंक्शन होगा जिसमें मैंने आपको बताया इम्पोटेंसी हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी ठीक है सैरी ब्रल जब सैरी ब्रम जब इन्वॉल्व होगा तो उसकी वजह से क्या होगा मेमोरी लॉस पर्सनालिटी चेंजेस इमोशनल लेबिलिटी इन्जाइटी डिप्रेशन न्यूरोपैथिक पेन होती है जो कि हाइपर डिटीजिया की वजह से होती है और ट्राइजेमिनल न्यूरोजिया की वजह से होती है ठीक है तो दीज वर द क्लिनिकल फीचर्स अब नेक्स्ट पार्ट से हम इसका कोर्स देखेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे